स्टार प्लस के शो झनक के आने वाले एपिसोड में हमें बहुत सारा हाई वोल्टेज ड्रामा और ट्विस्ट देखने को मिलेगा। जैसा कि शो के आज के एपिसोड में झनक ने दिया अनिरुद्ध और अर्शी को करारा जवाब। जैसा कि शो के आज के एपिसोड में हमें देखने को मिला कि झनक के हाथों से अनिरुद्ध का कपड़ा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से अनिरुद्ध झनक को बहुत बुरा भला कहता है और वो उससे कहता है कि अनिरुद्ध उसे दिखाई ही नहीं दिया क्योंकि उसकी नजरों के सामने अब सिर्फ आदित्य कपूर ही है। जिसे सुन झनक शॉक हो जाती है, लेकिन अनिरुद्ध झनक पर बहुत गुस्सा करता है कि तभी वहां आदित्य कपूर आ जाता है और वो अनिरुद्ध को समझाने की कोशिश करता है कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो गई और वो इस मामले को यहीं खत्म करे। लेकिन अर्शी और अनिरुद्ध नहीं मानते और अर्शी और सृष्टि झनक को बहुत बुरा भला कहने की कोशिश करते हैं, जिसमें झनक उन्हें करारा जवाब देती है और वो उन्हें कहती है कि जितनी गलती झनक की थी उतनी ही गलती अनिरुद्ध की भी थी, क्योंकि वो देखकर नहीं चल रहा था और उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो अनिरुद्ध के करीब जाए और उसकी अटेंशन पाने की कोशिश करे, क्योंकि उसने पहले भी अनिरुद्ध को बहुत बार ठुकराया है और वो अनिरुद्ध की कोई अटेंशन नहीं चाहती। जिसे सुन अनिरुद्ध पूरी तरह से शॉक हो जाता है और झनक वहां से चली जाती है और झनक का ये जवाब सुन अर्शी और सृष्टि भी शॉक हो जाते हैं। और अब शो के आने वाले एपिसोड में ये देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा कि आखिर झनक और अनिरुद्ध की लाइफ आगे क्या मोड़ लेती है। टीवी सीरियल से जुड़ी बाकी सारी खबरों के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।